नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, एक ई रिक्शा मेरे पास आई है जिसमें 3 महीने पहले नया वायरिंग, नया कंट्रोलर, नया मोटर ये सभी कुछ लगा, उसके बावजूद भी गाड़ी आज बिल्कुल नहीं चल रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए, मैं चाबी जब ऑन करता हूँ ये देख सकते हैं, यहाँ देखिए लाइन आ रहा है, वोल्टेज भी बिल्कुल सही है, उसके बाद भी जब हम एक्सलेटर लेते हैं तो गाड़ी बिल्कुल नहीं चल रही, जबकि कुछ देर पहले ही ये गाड़ी चल रही थी। धीरे धीरे पहले इसका पिकअप डाउन हुआ और उसके बाद गाड़ी पूरी तरह से बंद हो चुकी है। इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये गाड़ी पुरानी है लेकिन इसमें नया वायरिंग फुल कंप्लीट नया लगा है, कंट्रोलर भी नया लगा, मोटर भी नया और बैटरी भी इसका बिल्कुल नया दिया हुआ है, उसके बावजूद भी ये गाड़ी नहीं चल रही है। कुछ देर पहले तक ये पहले धीरे धीरे इसका पिकअप जो है वो डाउन हुआ, 10 पर 15 पर पिकअप आना शुरू हो गया, उसका 10 पर 5 हो गया, 5 से 4 हो गया, उसका धीरे धीरे गाड़ी इसका बैठ चुका है, जबकि इसमें सब कुछ नहीं लगी हुई है। इसका प्रॉब्लम आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम ज़्यादातर मोटर की वजह से होता है, इसमें मोटर में कुछ फॉल्ट है, चूँकि मोटर भी इसका अभी वारंटी में है, इसलिए ये मोटर अगर प्रॉब्लम होगा तो मोटर इसमें नया लग जाएगा। लेकिन मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है और किस वजह से, अगर आपकी गाड़ी में इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप उसको सही कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका मोटर को खोल लेता हूँ, मोटर इसका नीचे लगा रहता है, इस मोटर को मैं पहले खोल के बाहर निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है। क्योंकि देखिए आपका चूँकि वारंटी में अगर मोटर हो तो मोटर को आप सिर्फ बाहर खोल के निकाल ले, मोटर का आपको पार्ट पार्ट खोलने की जरूरत नहीं है, जहाँ से आप लिए वहाँ देंगे तो आपको चूँकि रिप्लेस कर देगा। तो चूँकि मैं आपको बताने के लिए इसे मैं खोल रहा हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है, जो इसका गाड़ी का गति धीरे धीरे कम हुआ उसके बाद धीरे धीरे बैठ गया। चलिए ये मोटर को हम लोग खोलते हैं, अभी मैं आपको बैटरी दिखाता हूँ। यहाँ देखिए बैटरी भी आप देख सकते हैं, बैटरी बिल्कुल नई है, 3 महीना पहले ही इसमें जो है नया बैटरी, चारों बैटरी लगाया है, नया मोटर लगाया है, नया कंट्रोलर लगाया है और नया वायरिंग लगाया है। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये आपको दोनों बैटरी आप देख रहे हैं नया है। चलिए मैं आपको उस साइड का सीट में भी दिखा देता हूँ, उस साइड भी नया बैटरी लगाया, यानी कि चारों बैटरी नया, कंट्रोलर नया, मोटर नया, वायरिंग नया, उसके बावजूद भी ये देखिए जिस समय लगा उसमें सही चल रहा था कुछ दिन पहले तक, और अभी जो धीरे धीरे डाउन हुआ और बैठ गया। ये देखिए मैंने मोटर को बाहर निकाल लिया है, चलिए मैं आपको इधर इस साइड से करके दिखा देता हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं ये मोटर, ये देखिए मोटर, ये मोटर भी बिल्कुल नई है, मात्र 3 महीना ही हुई है, क्योंकि ये नीचे में लगा रहता है तो गंदा होने की वजह से ये आपको गंदा लग रहा है, लेकिन ये मोटर बिल्कुल नई है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसको खोल के दिखाऊंगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है। ये प्रॉब्लम मोटर का ही है, आप देख सकते हैं ये साफ में घुमा रहा हूँ कितना फ्री है, ये इतना फ्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो मैग्नेट रहता है उसमें पावर रहता है, इसलिए इतना फ्री नहीं होना चाहिए। इसका जो मोटर है वो उसमें मोटर में ही कुछ प्रॉब्लम है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मुझे इसे नहीं खोलना चाहिए क्योंकि वो वारंटी में है, लेकिन आपके लिए हमें ये खोल रहा हूँ क्योंकि आपको वीडियो में बताऊँगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, क्योंकि आपका अगर मोटर वारंटी में नहीं होगा तो आप इसको सही कर सके, इसीलिए मैं ये मोटर को खोल रहा हूँ। खोलने के बाद फिर मैं इस मोटर को कस दूंगा, क्योंकि ये वारंटी में है तो वापस चला जाएगा, इसमें नया मोटर लगेगा। तो इस मोटर को खोलने के लिए पीछे में कैप लगा रहता है, उस कैप को आपको खोल लेना है। कैप में 3 स्क्रू लगी हुई रहती है, 3 स्क्रू को आप पहले खोल लें, उसके बाद इसको कैप को आप बाहर निकाल देंगे। ये चूँकि ये गाड़ी बहुत पुरानी है, लेकिन इसमें जो है बैटरी का आपको चारों नया लगा दिया गया है, वायरिंग नया है, कंट्रोलर मोटर सब कुछ नया लगाया है। ये गाड़ी बिल्कुल सही चल रही थी कुछ दिन पहले तक, और अभी से 1-2 घंटा पहले तक भी सही चल रही थी मतलब पिकअप कम हो गया था, 10 से 15 का पिकअप हो गया था, और ये धीरे धीरे करते करते पिकअप डाउन हुआ और गाड़ी पूरी तरह से ये बैठ गया है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है ये आपको समझिए, वीडियो को पूरी देखेंगे, इसकी बिल्कुल नहीं करेंगे वरना आपको समझ में नहीं आएगी। चलिए पहले मैं इसका कैप को खोल लेता हूँ। ये देखिए मैंने ढिला खोल लिया ना स्क्रू को, अब मुझे थोड़ा सा ठोकना पड़ेगा, ये थोड़ा टाइट है क्योंकि ये पहली बार खुल रहा है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा ठोकते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं ये कैप इसका निकल चुका है, उसके ऊपर एक पंखी लगा रहता है, पंखी के ऊपर एक लॉक रहता है, क्योंकि इसमें लॉक नहीं है तो हम लोग जो डायरेक्ट इसको निकालते हैं थोड़ा टान कर करके। ये देखिए थोड़ा जाम है तो हम लोग पेचकस के द्वारा इसको टानेंगे तो ये आराम से ये निकल जाएगा। तो चलिए पेचकस से इसको हम लोग टान करके निकाल लेते हैं। ये देखिए पंखी भी इसका निकल चुका है, उसके बाद जो है इसमें आपको 6 बोल्ट लगा हुआ रहता है, जो आपको 4 नंबर एल की दिन से आप उसको खोल सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग पहले खोल लेते हैं 6 बोल्ट को, उसके बाद मैं आपको अंदर दिखाऊंगा। तो देखिए थोड़ा सा हल्का ठोक दे, टाइट रहने पर ऐसा होता है खुलने में थोड़ा दिक्कत। ये देखिए खुल रहा है, इस तरह से आपको ये 6 बोल्ट इसका आपको खोल लेना है। देखिए इस तरह से आपको 6 बोल्ट को आराम से खोल ले, 4 नंबर एलकी का रिंच लगा करके आप इसको खोल सकते हैं। ये देखिए 6 बोल्ट को हम लोगों ने खोल लिया है, इस तरीके से आपको खोल लेना है।
हाँ, अगर वारंटी में होगा तभी आपको नहीं खोलना है, वारंटी आपका ख़त्म हो तभी आपको खोलें, क्योंकि खोलने के बाद फिर इसको वारंटी वापस नहीं होता है, दिक्कत हो जाती है। देखिए तो मैं ठोक के इसको बाहर निकाल देता हूँ। ये देखिए इस तरह से, यानी बाहर निकाल, अंदर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल पूरा फ्रेश है। तो चलिए पहले हम लोग इसका मैग्नेट को बाहर निकालते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम इसका मैग्नेट में ही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए थोड़ा सा मैंने दबा, देखिए आसानी से निकल गया है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये देखिए ये इसका मैग्नेट है, और ये मैग्नेट जो आप देख रहे हैं इसके में जो चुंबक का पावर होता है वो इसका डाउन हो चुका है, और इसी वजह से ये धीरे धीरे गाड़ी का गति कम हुआ और उसका धीरे धीरे गाड़ी पूरी तरह से बैठ चुका है। अभी मैं आपको इसमें पेचकस हटा के दिखाता हूँ। ये देखिए आप देख रहे हैं जब मैं पेचकस हटा रहा हूँ तो ये बिल्कुल इसमें सट नहीं रहा है, क्योंकि इसमें चुंबक बहुत हार्ड होता है। जब मैंने पेचकस डाला तो तुरंत इसमें सट जाना चाहिए और हटना नहीं चाहिए, पूरा ताकत लगा के मुझे हटाना पड़ता। लेकिन देखिए आप देख सकते हैं ये बहुत आसानी से सट रहा, हट रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। यानी कि में जो चुंबक का शक्ति होता है वो ख़त्म हो चुका है, और इसी वजह से ये प्रॉब्लम आया कि गाड़ी का धीरे धीरे पिकअप डाउन हुआ और ये पूरी तरह से बच गया, यानी कि इसका मैग्नेट जो है वो ख़त्म हो चुका है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो चूँकि मैग्नेट मार्केट में मिलता है तो आप इसको खोल के लेथ पर ले जाइएगा, तो खोल के नया मैग्नेट लगाइएगा तो आपका ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। चूँकि ये वारंटी में है तो हम लोग फिर से इसको सेट कर देंगे, ये वापस चला जाएगा और इसमें हम लोग नया मोटर लगा देंगे। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप इसका मैग्नेट जो है आप बदल सकते हैं, आप सही होगा। चलिए मैं इसको तब तक सेट करता हूँ, उसके बाद हम जो उधर जो इसका वायरिंग का कनेक्शन को खोल लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं, देखिए कंट्रोलर भी आप देख रहे हैं बिल्कुल नया है। तो चलिए पहले इसका मैं वायरिंग को मोटर को खोल लेता हूँ, क्योंकि चूँकि वापस में जाएगा। ये सेंसर कोड है, और नीचे आप देख रहे हैं ये तीन तार लगा रहता है, ब्लू पीला हरा, तीनों को आप जो है 8 नंबर के एल की रिंग से आप इसे खोल लें। अभी आप देख रहे हैं, देखिए अब कंट्रोलर भी आपको नया दिख रहा होगा, ये कंट्रोलर भी नया है, मोटर भी नया है, और इसका वायरिंग जो है नया है, और बैटरी भी नया है। तो ये प्रॉब्लम आया क्योंकि इसका मैग्नेट जो है वो मोटर का मैग्नेट उसका पावर ख़त्म हो चुका था, इसी वजह से इस गाड़ी में पिकअप पहले डाउन हुआ और धीरे धीरे करके ये गाड़ी बैठ गया और गाड़ी बिल्कुल नहीं चल रही थी। तो ऐसा प्रॉब्लम आपके गाड़ी में भी आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो आराम से आप मोटर को खोल ले, और मोटर खोलने के बाद उसका मैग्नेट को लेथ पर ले जाए और उसको लगवा ले, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए हम लोगों ने फिर से ये मोटर को सेट कर दिया है, क्योंकि ये वापस होने जाएगा। अब ये देखिए मैं साफ घुमाता हूँ, ये कितना फ्री है, इतना फ्री बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसमें चुंबक रहता है इसलिए ये थोड़ा टाइट रहता है, इसको टाइट होना चाहिए। देखिए आसानी से ये घूम रहा है, कितना फ्री है आप देख सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसका वायरिंग खोल के बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वारंटी में, तो वारंटी वापस चला जाएगा और हम लोग इसमें एक नया मोटर लगा देंगे। लेकिन अगर आपके साथ अगर ऐसा होता है तो आप उसका मैग्नेट को आप चेंज कर दे, आपका ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग उसको पहले खोल लेते हैं वायरिंग को, उसके बाद हम लोग इसमें नया मोटर फिर सेट कर देंगे। ये देखिए इस तरह के इसे हम लोगों ने खोल दिया है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं ब्लू पीला हरा, ये मोटा तार है जो कंट्रोल में लगता है, और उसके बाद ये सेंसर का कोड है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सेंसर कोड है, ये आपको सेंसर लॉ में कोड में आपको लग जाता है। ये देखिए नया मोटर है, आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए हम लोग नया मोटर लगा रहे हैं, क्योंकि वारंटी में था तो इसे नया मोटर दिया गया है, तो हम लोग नया मोटर इसमें लगा देंगे वारंटी में, वो मोटर फिर वापस चला जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिए, जब इस तरह का प्रॉब्लम आता है, अगर वारंटी में आपका हो तो आप लोग वारंटी के रहते हुए आप लोग मोटर का पार्ट ना खोलें, इसे वापस कर दें, क्योंकि मुझे ये आपको बताना था इसीलिए मुझे खोलना पड़ा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन सा कंपनी का मैं लगा रहा हूँ। ये देखिए 999 का देख रहे हैं, 999 का है। अब 1200 वाट का देखिए मोटर है, ये बहुत हैवी मोटर है। अभी मैं आपको इसको दिखाता हूँ, इसका जो है पावर देखिए, यहाँ देखिए आप देख रहे हैं, ये देखिए कितना टाइट है, देख रहे हैं इस तरीके से आपका जो है ये टाइट होना चाहिए, क्योंकि इसका चुंबक का पावर बहुत ज़्यादा है। गाड़ी में आपको गति भी अच्छा रहेगा, लोडिंग पावर भी आपको ज़्यादा लेगा। उसका आपने देखा साफ में घुमा रहा था, बिल्कुल फ्री घूम रहा था, क्योंकि उसका जो है मैग्नेट का पावर ख़त्म हो चुका था, इसीलिए कि वो आराम से फ्री घूम रहा था, और यही कारण था। तो आप लोग भी ध्यान देंगे इस तरह का, भैया देखिए अब मैं फिर दिखाता हूँ, यहाँ देखिए कितना फ्री है, बिल्कुल ही फ्री है, लग ही नहीं रहा है कि मतलब इसमें कोई चुंबक का पावर है। तो इसलिए कि जब इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप देख ले मोटर खोल करके, अगर मोटर का पावर ख़त्म हो तो आप मोटर को बदल दें, वारंटी में हो तो मोटर आपको नया मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले मोटर को सेट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा। एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, ये देखिए आप मोटर का ये तीनों तार को आपस में सटाएंगे तो आपका ये साफ जो है वो जाम हो जाना चाहिए। देखिए सटाने के बावजूद भी ये जाम नहीं हो रहा है, उसके बावजूद फ्री है, यानी कि मैग्नेट काम बिल्कुल नहीं कर रहा है। ब्लू पीला हरा तीनों तार को आप सटाएंगे और तब ये घुमाएंगे तो ये जाम हो जाना चाहिए, ये जाम बिल्कुल नहीं हो रहा है, ये पूरा तरह से इसका मैग्नेट जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इस तरह से भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैं आपको आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए ये सेंसर का कोड है,
और वो तीनों तार जो है ब्लू पीला हरा आपको फिर से कंट्रोलर में लगा देना, लेकिन ध्यान रखेंगे उसमें सब कुछ लिखा रहता है, पीला में पीला, ब्लू में ब्लू और हरा में हरा आपको तार को लगाना है, और उसके बाद आपको सेंसर का कोड को लगा कर करके इसको कंप्लीट कर देंगे। इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान रखेंगे, लगाना बिल्कुल ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। जिस तरह से आप खोल रहे हैं उसी तरीके से आपको जो है इसको कर देना है, और उसके बाद मैं आपको कनेक्शन करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि आखिर आपको ये आपको चला के दिखाऊंगा। इसको अच्छी तरीके से जो है मोटर को आप फुल टाइट मारे, ढीला बिल्कुल नहीं रखे, इसको एकदम फुल टाइट करेंगे, ध्यान रखेंगे ढीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये फुल टाइट रहना चाहिए। ये देखिए मैं सेंसर का कोड लगा देता हूँ, और उसके बाद हम लोग जो है वो मोटर का जो तार है पीला ब्लू हरा इस तीनों को हम लोग लगा करके अच्छी तरीके से फुल टाइट कर देंगे। ध्यान रखिए ढीला बिल्कुल नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर ढीला रखेंगे तो वो जो है आपको शॉर्ट मारेगा तो वो पिन उसका गलना शुरू हो जाता है, इसलिए आपको ढीला नहीं रखना है, अच्छी तरीके से नट को टीडिन से इसको फुल टाइट कर देना है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग उसको सेट कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ये देखिए मैं टीडिन से टाइट कर रहा हूँ, और अच्छी तरीके से इसको सभी नट को आपको टाइट कर देना है, पीला में पीला, ब्लू में ब्लू, हरा में हरा लगा करके आपको टाइट करें और सेंसर ला कोड लगा दें। तो चलिए पहले हम इसको सेट कर लेते हैं, थोड़ा जगह का दिक्कत है, थोड़ा दिक्कत हो रही है काम करने में, लेकिन मैं इसे टाइट कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए टाइट हो चुका है, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए ये तीनों तार आप देख रहे हैं, पीला ब्लू हरा, यहाँ देख सकते हैं ये तीनों लग चुका है, सेंसर का कोड भी मैंने लगा दिया है। अब मैं एक बार चाबी ऑन करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैंने चाबी ऑन किया है, यहाँ देखिए मीटर में लाइन आ चुका है। अब मैं एक बार एक्सीलेटर लेता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ देखिए मैं एक्सीलेटर ले रहा हूँ, तो यहाँ देखिए चक्का चल रहा है, मैं आपको चलिए चक्का के पास लेकर चल के दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, यहाँ देखिए आप देख रहे हैं, ये देखिए चक्का शुरू हो गया है, मेरा एक दोस्त है वो एक्सीलेटर ले रहा है, आप दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ देखिए गति देखिए आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको मीटर के पास दिखाता हूँ, यहाँ देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए 26 का पिकअप 24 का पिकअप आ गया है, यानी कि ये बिल्कुल सही हो चुका है। 1200 वाट का मैंने मोटर भी लगा दिया है, आप देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल सही हो चुका है। तो आपने देखा ये प्रॉब्लम कहाँ था, इसका प्रॉब्लम वही मोटर में जो मैग्नेट था उसका क्षमता ख़त्म हो चुका था, इसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो देखिए आपने किस तरह से ये प्रॉब्लम आता है, बहुत ऐसा प्रॉब्लम होता है आदमी जो समझ नहीं आता है, तो मैं आपको चला के भी दिखा देता हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए आराम से गाड़ी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आपको बैक करके भी दिखा देता हूँ, ये देखिए अब कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी में ताकत भी बहुत ज़्यादा आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने देखा प्रॉब्लम कहाँ था, इसका मैग्नेट जो है वो उसका डाउन हो चुका था मोटर का, इसी वजह से गाड़ी पहले धीरे धीरे इसका पिकअप डाउन हुआ और उसके बाद धीरे धीरे बैठ चुका था। तो मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर इस तरह का आपको प्रॉब्लम आता है आराम से आप मोटर को खोले और उसका मैग्नेट को चेक कर ले, अगर गड़बड़ हो तो आप उसका मैग्नेट को चेंज कर दे तो आपका ये प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगा, और वारंटी में हो तो आप इसको जो रिप्लेस करवा दें, बिल्कुल आप ना खोले। मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।